हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन वाले चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, उसके डिस्कशन को। यहाँ तक हमने देख लिया सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ऑर्बिटल प्लेन, 66.5 डिग्री का एंगल, 23.5 डिग्री का टिल्टेड एंगल अर्थ का देख लिया हमने। और हमने ये जान लिया कि अर्थ डे क्या होता है, कंप्लीट जो प्रोसेस होता है अर्थ, जिसमें 24 घंटे चक्कर लगाकर उसी जगह पर आ जाता है। तो ये चीज़ है। अब एक बात और बताओ मुझे ज़रा, सब लोग, अगर मैं ये बोलूँ, मुझे ट्रू और फॉल्स बताना, अर्थ का एक्सिस, अर्थ पे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, 66.5 डिग्री का प्लेन या एंगल, 23.5 डिग्री का एंगल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, जितनी भी चीज़ें मैंने बोली मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, एक्सेस अर्थ का, 23.5 डिग्री का एंगल, 66.5 डिग्री का एंगल, अर्थ की ऑर्बिट, उसका ऑर्बिटल प्लेन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अर्थ पे ये सब कुछ हमेशा फिक्स है, स्टेशनरी है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? फिक्स है ना? फिक्स है, ये वही बात याद रखना। मैंने एक ही बार में देखो, इसलिए मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही नहीं बताया। अब आपका दिमाग रिलैक्स है, उसके बाद से अब तक ये सारी चीज़ें फिक्स्ड हैं। कल को कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितनी भी स्टेटमेंट आ जाए, आज आपने एक रूल सीख लिया है, पूरे के पूरे आपको अर्थ ने, आपने अर्थ को एक ही बात में वाइंड अप कर दिया है, मुझे देखना ही नहीं है एक एक करके सबको, ये सारे फिक्स रहते हैं, कोई मूव नहीं कर रहा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है। चलो एक बार मैं बता दूं जरा, अगर इसको किसी को भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो रही है इस बात में, तो सिर्फ 60 सेकंड्स लेकर मैं इस बात को क्लियर कर देता हूं, कैसे फिक्स हैं सारे के सारे। आपने तो इतने सारे नाम लिए कि सारे के कैसे, सारे कैसे फिक्स हो सकते हैं। देखो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की दिशा किससे डिसाइड हुई है? एक्सिस से। क्या अर्थ का एक्सिस ऐसा होता है, कभी ये इधर, कभी ये इधर, ऐसा होता है क्या, बताओ? नहीं ना। तो अर्थ का एक्सिस नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो एक्सिस ही बने, जब एक्सिस ही फिक्स है तो ये तीन चीज़ें तो ऐसे ही निपट गई। जब एक्सिस ही ऐसा है तो ये 66 डिग्री और 23.5 डिग्री भी फिक्स रहेंगे फिर तो, ठीक है। उसके ऊपर से एक रूल होता है, भैया अर्थ कैसे भी रोटेट कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, बीचों बीच से जो लाइन जाती है वो होती है इक्वेटर, उसके 23.5 डिग्री ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जब ये इसका रूल ही यही हो गया है कि ये बीचों बीच से जाती है, और ये ऐसा तो है नहीं ये बॉल श्रिंक हो रही है, कल को ये ऐसे बनते बनते ये ऐसा बन जा रही है, फिर ये ट्रायंगल बन जाएगी, ऐसा तो नहीं हो रहा। हाँ, ये ऐसा तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर क्या है, ये भी चीज़ें फिक्स हैं। उसके बाद सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन तो आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जान ही लिया, वो फिक्स है, तो बताओ कुछ बताइए, ये सारी चीज़ें फिक्स हैं। क्या होता कि अगर अर्थ रोटेट ही नहीं करता, चलो देख लेते हैं क्या हो जाता, ऊपर से ही देख लेते हैं इसको। अर्थ रोटेट ही नहीं करता, इस साइड पे हमेशा डे रह जाता, इस साइड पे हमेशा नाइट रह जाती, नाइट रह जाती तो यहां पर हमेशा ये फ्रीजिंग कोल्ड जगह होती, ये सिजलिंग हॉट बन जाता, ये रीजन, सारे लोग यहां से यहां माइग्रेट कर जाते, दंगे हो जाते, राइट्स हो जाते, कम्युनल वॉर्स होती, वर्ल्ड वॉर होती, क्लैशेस होते, अर्थ के हाफ पोर्शन पे पूरे रिसोर्स का बर्डन पड़ जाता, ये सब चीज़ें हैं। ये तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी, यहाँ पर देखो सर कितनी लिखी हुई हैं। जो पोर्शन सन को फेस कर रहा होता वो हमेशा के लिए डे एक्सपीरियंस कर जाता, ठीक है, उसको कंटिन्यूस वार्मथ मिलती रहती, दूसरे हाफ में डार्कनेस रहती और वो फ्रीजिंग कोल्ड रहता हमेशा के लिए, और ज़िंदगी ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर पॉसिबल ना होती। एक फैक्ट जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में भी हमने इन पर्सन का नाम सुना था, एंशियंट एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्ट, इन्होंने ये बोल दिया था, अर्थ इज़ राउंड एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। ये क्वेश्चन
यूपी और एमपी के एग्जाम में आ सकता है कि कौन से एंशंट साइंटिस्ट ने, एस्ट्रोनॉमर ने ये वाली चीज़ बोली थी, अर्थ इज राउंड एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। अब आपको ये तो पता ही फैक्ट है कि अर्थ गोला है और वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, ये किसने बोला था, तो ये चीज़ आ सकती है। ये मतलब फैक्ट यूपीएससी की क्लास में मैं मानता हूँ जीरो इंपॉर्टेंट है, 0% इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरे एग्जाम्स को ये पूछना ना फैक्चुअल कंटेंट की, आर्यभट्ट और तीन चार एंशंट एस्ट्रोनॉमर्स का उसका नाम और लिख देंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अब यहाँ पर देखो एक अगर वर्ड में डाल दूँ ना तो आपको लगेगा शायद इसने भी बोला होगा, चाणक्य, आपको लगेगा शायद यार ये भी बात कर सकते हैं वो, क्योंकि लोग पता है क्या एग्जाम के अंदर एलिमेंट पता कैसे करते हैं, मैंने ये अक्सर देखा है लोगों की साइकोलॉजी में, खुद की साइकोलॉजी में भी ऑब्जर्व करा है, हम ना जर्नली क्या सोचते हैं, जो हमने सीरियल देखे हैं, कोई पिक्चर देखी है, जोधा अकबर जैसे, अगर हमने ना हम पता है वहाँ रिलेट करने की कोशिश कैसे करते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कि भैया अकबर के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा, अकबर का क्वेश्चन आ रखा है, चले मैंने जोधा अकबर तो देख ही रखी है कम से कम, ऋतिक रोशन को इमेजिन करने लगेंगे, हाँ 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 ऐसा करा था उसने, तो ये वाली चीज़ से ऐसी ही करी होगी उसने, उसका रोल क्योंकि ऐसा दिख रहा था, गलत। अलाउद्दीन खिलजी जितना जालिम दिखाया गया पद्मावत मूवी के अंदर इतना नहीं है, मैंने बताई थी ना उसकी एक मोटिवेशन वाली बात, एक साल एबसेंट रहा था कोर्ट से, एक साल, और कितनी सारी लैंग्वेजेस सीख कर आया था, चाचा का मर्डर करता है उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी का और बनता है शहनशाह हिंदुस्तान। सेकेंड मोशन जो अर्थ का है उसको हम लोग कहते हैं रेवोल्यूशन। अर्थ को एक पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करने में एक साल लगता है। अब एक साल कितने दिन का होता है, हम कहते हैं 365 डेज या हम कहते हैं 366 डेज, दोनों आंसर गलत है, दोनों के दोनों आंसर गलत है, 365 भी नहीं, 366 भी नहीं। अर्थ को एक साल अर्थ पे होता है 365 1/4 डेज का, उसको कहते हैं एक साल। यार मेरे घर में कैलेंडर है, मेरे मोबाइल में कैलेंडर है, इतना बढ़िया फ़ोन ले रखा है मैंने, इतना बढ़िया भगवान की कृपा से लैपटॉप है मेरे पास, यहाँ तो ऐसा कुछ दिखाता नहीं है वो, 365 तो दिखता है, 1/4 नहीं दिखता यार मुझे कभी, तो तोड़फोड़ मचा दूँ इन सब में क्या, या गूगल क्रोम इंस्टॉल कर देता हूँ सब चीज़ें हटा देता हूँ, ये इसके पीछे लॉजिक क्या है, 365 दिन को तो साइड रखो, ये 1/4 की बात करते हैं, 1/4 की बात करते हैं। एक दिन में कितने घंटे, एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, सिक्स थ्री जा एटीन, सिक्स फोर जा 24। एक साल में 365 घंटे, सॉरी 365 दिन प्लस 6 आवर्स होते हैं। एक साल में 365 तो दिन होते हैं प्लस 6 आवर्स होते हैं। अब ये 6 आवर्स हम जानते हैं जिस प्रकार से हम अर्थ पे ज़िंदगी बिता रहे हैं, जो हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं, ना ही किसी प्रिंटेड कैलेंडर में, ना ही फ़ोन की कैलेंडर में, ना ही किसी वॉलपेपर में, ना ही किसी क्लॉक में, ना ही किसी स्मार्ट वॉच में, किसी भी डिवाइस के अंदर एक्स्ट्रा 6 घंटे को रिकॉर्ड नहीं करा जा सकता। तो ऐसा मान लो ग्रीन विच के अंदर जब मीटिंग हुई और इस चीज़ के ऊपर जब चर्चा हुई कि 6 घंटों को छुपा दे क्या, एक बात बता रहा हूँ मैं, कहानी मतलब एक मज़ेदार कहानी बता रहा हूँ, इसको फैक्ट मत मानने लग जाना, एक तरीका बता रहा हूँ समझाने का कि सर जी इसको छुपा दे क्या, उन्होंने बोला नहीं यार, जनता जो हमारे साथ काम नहीं कर रही है, जो एस्ट्रोनॉमर वगैरह नहीं है वो बेवकूफ़ है, लेकिन बाद में जाकर जो साइंटिस्ट वगैरह बनेंगे वो बेवकूफ़ नहीं है, 6 घंटे को तो रखना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा सर आप ही बता दीजिए, क्लॉक इतने की, कैलेंडर इतने का, वॉलपेपर इतने के, कहाँ फिट होगा ये 6 घंटे, और क्या इसको तो दिन भी नहीं बोल सकते क्योंकि सर दिन तो 24 घंटे का होता है। फिर लीडर्स ने दिमाग लगाया, अच्छा जब दिन नहीं बोल सकते लेकिन इतनी बात तो पता लग रही है, 6 1 6 पहला साल, 6 2 12 दूसरा साल, 6 3 18 तीसरा साल, 6 4 24 चौथा साल, चौथे साल के अंदर इसको ऐड करके एक दिन बना दे। तो सबने तालियां बजाई, एक दूसरे को किस्सियां पपियां दी। 4 साल तक 365 दिन रहते हैं, चौथे साल एक दिन क्योंकि ऐड हो जाता है 365, और ये जो चल रहा था पहले साल का 6 घंटा, दूसरे साल के 12 घंटे, तीसरे साल के 18 घंटे और चौथे साल के 24 घंटे प्लस 1 666 दिन।
स्टैंडर्ड वे में अगर मैं इसको बोलूं, जो लोग समझा भी नहीं पाते हैं, लीप ईयर नाम है बस इसका। हम लोग एक साल में ऐसा मानते हैं कि 365 डेज ही होते हैं और 6 घंटों को इग्नोर करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। 6 आवर्स हम लोग सेव करते रहते हैं, चौथे साल जाकर वो ऐड होते हैं 6 घंटे। 6 × 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर में एक दिन ऐड हो जाता है, वन डे। 365 डेज तो हर साल आते ही हैं, ये एक दिन इसमें ऐड हो गया, बन जाते हैं 366 डेज, जिसको हम लोग कहते हैं लीप ईयर। ये जो सरप्लस होता है ये कैरी होता रहता है। अब हमने ये भी देखा, सर जी फिंगर पे मुझे ना मेरे टीचर ने सिखाया था, ये जो उठे हुए फिंगर के पार्ट्स हैं ये 31 दिन होते हैं और नीचे झुके हुए जो वो हैं ढलान हैं वो 30 दिन होती है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसा करके। सर किसी में 30 दिन है, किसी में 31 है, तो 31 वालों में डाल दें ये दिन, कहाँ डालें, 32 कर दें, या फिर नीचे झुके वाले में 30 में लाकर एक ऐड करके 31 कर दें। तो उन्होंने कहा देखते हैं यार क्या करा जाए। जनवरी में कितने दिन होते हैं रमेश? रमेश की आवाज़ है, 31 दिन सर जी। सुरेश फरवरी में कितने? उन्होंने कहा 28 दिन। उन्होंने कहा फरवरी में इतने कम क्यों? बोला सर पता नहीं। और बाकियों में क्या 28 हैं किसी में या 29 हैं? उन्होंने बोला नहीं सर 30 से कम किसी महीने में नहीं है। तो उन्होंने बोला फरवरी की थोड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ा दो और डाल दो 29 डेज। रमेश सुरेश इसमें हम लोग मजे लेंगे कि जिसका बर्थडे 29 फरवरी को पड़ता होगा 4 साल में एक बार, वो 40 साल का भी हो जाएगा लेकिन रहेगा कितने साल का? 10 साल का। मजे करो, किक देखी होगी ना, वो कहता 10 साल का हूं मैं। ये चीज सच है, ईयर में 366 डेज इज कॉल्ड एज लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर जनरली 4 के मल्टीपल्स में पड़ता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2016 में था, 2020 में था, अब 2024 में पड़ेगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेना इसको, मुझे जहां तक याद है ऐसे ही होता है। ठीक है, और ये क्लियर है कि अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द घूमता है अपनी इलेक्ट्रिकल पाथ में, और इंक्लाइंड भी इसी तरीके से है सेम डायरेक्शन के अंदर। यानी कि ये वाली बात हम कर चुके हैं पूरा का पूरा, ये वाली याद बात याद है ना कि सन की पाथ ही है, उसकी इलेक्ट्रिकल पाथ ऐसे ऐसे करके घूमता रहता है, जैसे ये वाली मैंने लाइन बनाई थी, ये वाली, ये और ये। ठीक है, हर एक साल डिवाइड होता है गर्मियों में, सर्दियों में, स्प्रिंग में और ऑटम में। यहां तक बात समझ में आई सबको? लॉजिक समझ में आया आज 366 और 365 दिन का? पक्का? नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे, मैं इसी लेक्चर में वैसे करवा सकता था इसको, लेकिन वो पूरा कंसेप्ट बहुत बड़ा कंसेप्ट है। हम लोग ये बात करेंगे अर्थ पे सीजन्स क्यों आते हैं, डे एंड नाइट तो हमने समझ लिया रोटेशन की वजह से आते हैं, अर्थ पे मौसम क्यों आते हैं। चलो कोई बोलेगा कि रेवोल्यूशन की वजह से आते हैं, ठीक है रेवोल्यूशन की वजह से आते हैं, साइंटिफिक उसका वे क्या है कि कब कब वो मौसम बदलता है, कैसे कैसे बदलता है, क्यों बदलता है, और उसी के साथ हम लोग ये जानेंगे जब मौसम बदलते हैं कि समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स का कंसेप्ट क्या होता है, और उसके बाद आपका नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर खत्म। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।